फजल खान यार, तू एक बात बता, तू जो कहता रहता है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो, तो तेरे वीडियो देखने वाले भाई लोग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे यार, मेरे प्यारे भाई लोग हैं यार, ज़रूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है फजल खान, आप देख रहे हैं फजल खान ब्लॉग्स। तो गाइस एक गाइस एक और आगे हूँ न्यू ब्लॉग्स के साथ। तो जैसा कि दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7:40, तो गाइस अभी मैं बस 10 मिनट पहले ही उठा था। तो गाइस अब इस नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, फर्स्ट ब्लॉग की नए दिन से। और बिल्कुल सामने मेरे सूरज निकल रहा है, मेरे मुँह को पड़ रहा है, मैं फिलहाल थोड़े 10-5 मिनट पहले उठा हूँ। तो आप देख सकते हैं हालत इतनी अजीब सी हो रही है मेरी। तो अभी आपसे मिलता हूँ और साथ में मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा ब्लॉग हमारे लाइफ स्टाइल से रहेगा कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ, आप ब्लॉग का एंड तक देखना। और अभी बस फ्रेश होकर मिलता हूँ आपसे। ए फ्यू मिनट्स लेटर, तो हमारा भाई हो गया है रेडी, देख सकते हैं आप, अंदर हाफ टी शर्ट, गर्म बनियान, ऊपर जैकेट पहन ली भाई, ठंड हो रही है। फिलहाल तो धूप निकल रही है, देख सकते हैं मेरे फेस पर धूप पड़ रही है सूरज की। अब गाइस नाश्ता करते हैं, फिर नीचे जाएंगे, दुकान खोलेंगे, हमारा वही गांव है, शॉप खोलेंगे अपनी कपड़े की। तो दिखाऊंगा मैं आगे क्या क्या करूँगा। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा हमारा नाश्ता, चाय और हॉट पॉट में देखते हैं आज भाभी ने क्या बनाया है। अरे वाह, पराठे बनाए भाई। आ जाइए दोस्तों, आप भी खा लीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको पराठे कैसे लगते हैं। तो मैं पहले नाश्ता कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ नीचे शॉप पर। तो गाइस जस्ट अभी मैंने अपनी शॉप खोली है, हमारी कपड़े की शॉप है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख ही रहे हो। तो अब चलिए थोड़ी सफाई सुथराई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो फाइनली गाइस दुकान की सफाई कर ली हमने, तो अब हम बैठे हैं, आगे जो भी करते हैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो अब मैं आगे फ्रंट वाले शटर पर बैठा हूँ, कभी यहाँ तो कभी कभी यहाँ बैठा रहता हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं यहीं बैठता हूँ क्योंकि ये सोफ़ा है, सॉरी कार की सीट है, तो मतलब ऐसी कार की सीट थी तो इस पर बैठ जाते हैं क्योंकि इससे टेक लग जाती है ना आराम से। वहाँ पर स्टूल रखा है, उस पर टेक नहीं लगती, टेक लगती हुई तो दीवार से लगती है, दीवार तो कोई गुदगुदी तो होती नहीं है दीवार। तो आगे जो भी मैं करूँगा आपको इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, ठीक है गाइस? गाइस चलते हैं अपने भतीजी को लेने उसके स्कूल से, बाइक खड़ी है अंदर पीछे हॉल में हमारे, उसे निकाल लेता हूँ, पापा की बाइक, तो उसी से जाएंगे और उसमें पेट्रोल नहीं है, पहले पेट्रोल डलवाएंगे। तो आपसे मिलते हैं पेट्रोल पम्प पर। तो गाइस आ गया हूँ मैं पेट्रोल पम्प पर, तो भाई से मैंने बोला कि 105 का तेल डाल दिएगा, तो भाई डाल रहे हैं। पेट्रोल डलवाने के बाद आगे आपसे रोड पर मिलते हैं और फिर मिलते हैं लाइबा के स्कूल में। आपको क्योंकि मैं बाइक चला रहा हूँ, स्कूटी होगी तो स्कूटी में गियर तो डलते नहीं है, इसमें तो गियर डालने पड़ते हैं, इसमें क्लच वगैरह डलवाना पड़ता है। तो अब मिलता हूँ आपसे लाइबा के स्कूल पर। मैं पहुँच गया हूँ लाइबा के स्कूल में, सेंट मेरी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। तो गाइस हम मिलते हैं लाइबा के साथ में। हाय करो कैमरे में, हाय लाइबा नूर, कैसे हो तुम? हैं ठीक हो? तो गाइस लाइबा नूर को ले लिया है, बैठी है मेरे साथ में, आगे ही मैं आपको दिखाता हूँ। हाय गाइस, आप कैसे हो? तो चलते हैं घर पर क्योंकि मैं बाइक चला रहा हूँ, तो फिर घर पर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस दोपहर के बज रहे हैं 1:30, लाइबा के आने के बाद अब खाना खाते हैं, तो दिखाता हूँ क्या बनाया आज हमारे घर पर। तो देखिए गाइस दाल बनी है और ये मुर्गे की चटनी, प्याज की चटनी, खाना खा लेते हैं। तो खाना खा लेते हैं गाइस, आ जाइए आप भी खा लिए, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो गाइस खाना तो खा लिया है, अब यार कॉफ़ी का दिल कर रहा है, तो कॉफ़ी बना रहा है तुम्हारा भाई अपने लिए, भाभी के लिए। भाई खाना खा के जल्दी कुछ काम था वो चले गए बाहर। तो गाइस ये बन रही है कॉफ़ी,
ये बस थोड़ी सी देर में बन ही जाएगी। ये खोल गई कॉफी, अब इसे कर लेते हैं कप में फिर पीते हैं। ओ तेरी निकल नहीं जाए बंद। तो ये बन गई है कॉफी, पीते हैं आप। आ जाइए आप भी पी लिए गाइस। तो गाइस हम आ गए हैं अपनी शॉप पर, नीचे दुकान खोल ली है। मेरा मतलब ये जो देख रहे हो ना आप शीशे के गेट, इसमें नीचे लॉक लगता है, तो हम खाना खाने जब भी जाते हैं तो ऊपर लॉक लगा के चले जाते हैं ताकि कोई घुस नहीं जाए। आ जाइए आप भी कॉफ़ी पी लीजिएगा। तो इसे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे लाइबा के साथ में। ये रही है मेरी लाइबा नूर, हम दोनों बनाएंगे एक छोटी सी रील जो मैं आपको दिखाऊंगा, और शॉर्ट्स के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बनाऊंगा वो इसके साथ में, छोटा सा शॉर्ट्स, बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे अभी हम दोनों। तो चलिए कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों लाइबा तो गई है भाई के साथ अपने स्कूल के लिए जैकेट लेने, तो वो शॉर्ट मैं आपको किसी दिन YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना आप। और फिलहाल हमारे यहाँ में ऊपर बुआ पुप्पी जान के ऊपर चल रहा है नाश्ता, तो पुप्पी ने मुझे ये दे दी बर्फ़ी, खा ले मेरे बेटे। तो मैं आ गया हूँ नीचे, क्योंकि नीचे दुकान पर कोई है नहीं, और आगे मिलते हैं आपसे ब्लॉग में। इतने तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5, तो अब बंद कर देते हैं दुकान को। तो आप सोचोगे कि यार इतनी जल्दी कौन करता है दुकान बंद, तो गाइस उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। हमारी दुकान का इन्वर्टर हमारे गांव गया हुआ है, वो इसलिए अभी हमारे पापा गए थे उमरा करने, तो वहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, इस वजह से वो इन्वर्टर वहाँ लगाना पड़ा। अब इस वजह से जल्दी दुकान बंद करनी पड़ती है। और गए थे हम दिल्ली एयरपोर्ट पापा को छोड़ने, उसका व्लॉग भी जल्द ही आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे गाइस शाम के बज रहे हैं 7:30, तो गाइस अब हम खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं रात का, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में रिफाकत भाई की शॉप पर। खाना खाने के बाद आ गए हैं हम अपने रिफाकत भाई की शॉप पर चाय पीने। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी शॉप, कन्फेक्शनरी की शॉप है, और भाई पीछे वो देख रहे हो वो चाय बना रहे हैं। ये बना रहे हैं हमारे रिफाकत भाई चाय। इस चाय आ गई है, ये रही, आइए आप भी पी लिए, इसे पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे घर पर। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, तो फिर मिलता हूँ आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।